राजसमंद और पाली जिले की सरहद पर देसूरी की नाल में 50 यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर मोड़ के समीप पलट गई। हादसे में 20 यात्री गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें देसूरी के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार गुजरात के 50 सैलानियों से भरी बस राजसमंद से पाली जिले की तरफ जा रही थी, तभी दूसरी नाल में पंजाब के मोड़ के पास बेकाबू हो गई और पंजाब मोड़ के पास ही बीच सड़क में पलट गई। हादसा होने के साथ ही बस में सवार यात्रियों में हाहाकार मच गया। हादसे की सूचना पर चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर मय जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। उसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को देसूरी और चारभुजा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 3 गंभीर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात के सभी यात्रियों ने गड़बोर में चारभुजा नाथ के दर्शन किए और उसके बाद परशुराम महादेव के दर्शन के लिए देसूरी होकर जा रहे थे, तभी देसूरी नाल में पंजाब मोड़ पर यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक राजसमंद पाली जिले का मार्ग बाधित हो गया और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गोमती से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया।